15 अगस्त को एक बार फिर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ और उनके भाषणों में जो चीज 7 सालों से नहीं बदल रही वो है झूठ, बांटने की मानसिकता और नीति का अभाव। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसान देश की शान बने, ये हमारा सपना है। तो पहली बात तो ये कि किसान देश की शान है, बस प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ही उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गुंडे मवाली समझती है। दूसरी बात ये कि देश का किसान छोटे और बड़े में बटा हुआ नहीं है, वो एकजुट है। भाजपा की कंपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ, और हाँ, देश का किसान विभाजन वाली भाजपाई को पहचानता है, वो बटेगा नहीं। और तीसरी बात ये कि 9 महीने से ज्यादा समय हो गया किसान को आंदोलन करते हुए, 550 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास उनकी बात सुनने का समय नहीं है। उनको देश की शान तो क्या ही बनाएंगे ये लोग। इतना ही नहीं, लाल किले से झूठ बोलने में प्रधानमंत्री मोदी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ की एक योजना लेकर आए थे, 2020 में वही योजना 110 लाख करोड़ की लेकर आ गए और 2021 में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना लाने की घोषणा कर दी। हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए। ये कैसी योजना है भाई, जो 3 साल से आ रही है लेकिन आ नहीं पाई है। मतलब इतना झूठ, और वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, लानत है। क्योंकि झूठ बोलकर प्रधानमंत्री मोदी देश के कर्मठ लोगों का अपमान कर रहे हैं। और जहां तक बात है लाल किले से पीएम मोदी के भाषण में नीति ढूंढने की, तो ये भूसे के ढेर से राई का दाना ढूंढने के समान है। ढूंढते रह जाओगे मगर नीति नहीं मिलेगी। और वैसे भी जहां झूठ और नफरत का बोलबाला हो, वहां नीति गायब रहती है। जय हिंद।